राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राजस्थान में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। यहां 23 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के परिणाम सभी राज्यों के एक साथ आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, जनता अपना निर्णय सुनाने के लिए उतारू है और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव में तैयार खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 सालों में नहीं हुआ है वो इस बार होगा और इस बार कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और रिकॉर्ड मतों से बनेगी। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी, इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सेंसस क्या बड़ा इशू होगा, सेंसस को लेकर आपको क्या लगता है? हम लोगों ने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और वहां पर निर्णय लिया गया था कि राजस्थान भी सर्वे करवाएगा कास्ट बेसिस के ऊपर और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आदेश जारी कर दिया है जैसे बिहार में हुआ है। राजस्थान में हमारी पार्टी और सरकार ने मिलकर इस निर्णय को लिया है और आज भी कार्य समिति का जो निर्णय हुआ है उसमें पूरा समर्थन इसको दिया है। हम चाहते हैं कि लोगों की जनगणना हो ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है, बजट है, एलोकेशन है, फंडिंग है, जो टारगेट हमारा है वहां तक ढंग से वो स्कीम्स और प्रोग्राम पहुंच सके ताकि अब तक जो लोग जिनकी ढंग से गिनती नहीं हो पाई थी उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने का मौका मिले। चर्चा हो रही है, सब डिस्कशन हो रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी सब आज दिल्ली में है, बहुत जल्द मीटिंग होंगी और मुझे लगता है कि क्रमवार तरीके से सब लिस्टों को हम लोग अनाउंस करेंगे। जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग है, जो विनेबल है मेरिट के आधार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए, जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार दौरे करें, आगे भी करेंगे। हालांकि सचिन पायलट ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता की वापसी की थी। बात अगर राजस्थान विधानसभा की करें तो यहां पर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदल गया है। इस दौरान राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी शीत युद्ध और भी बहुत कुछ है। इन सब के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि बीते 5 साल में राज्य की सियासत में क्या क्या बदला है, 2018 के चुनाव नतीजे क्या रहे, कब कब गहलोत सरकार पर संकट आया, राज्य में कांग्रेस की जीत का नेतृत्व करने वाले सचिन पायलट ने कब कब गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की थी, ये सब चीजें जो हैं राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकती हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पिछले बार 7 दिसंबर को हुए थे जबकि परिणाम 11 दिसंबर को घोषित हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट को छोड़कर के बाकी 199 सीटों पर मतदान हुआ। रामगढ़ सीट पर बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए 99 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट अपना दावा कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि इन दावों में कितनी हकीकत नजर आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।